जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत के प्रत्याहार को देखेंगे और जहां से यूपी टेट सी टेट में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। मित्रों, इस चैनल पर बहुत ही सुगम, सरल और आसान तरीकों से हर चीज़ को बताया जाता है, तो आज इन्हीं सुगम और सरल आसान विधि से हम लोग प्रत्याहार को सीखेंगे और किस तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है इसको भी हम लोग जानेंगे। प्रत्याहार होता क्या है इसको भी जानेंगे। मित्रों, प्रत्याहार जो होता है ये जो है वर्णों को इकट्ठा करने से है, यानी कि संक्षेपीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि वर्णों को एक इकट्ठा करना। प्रत्याहार का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कही जाए, यही होता है प्रत्याहार। मतलब कि जितनी भी कम से कम शब्दों में अधिकतम बात को कह दिया जाए, ये होता है प्रत्याहार। और इसी को हम लोग संक्षेपीकरण के नाम से जानते हैं, जहाँ वर्णों को इकट्ठा किया जाता है। तो आइए, और इससे पहले हम लोग प्रत्याहार को जानने से पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा महेश्वर सूत्र पे, जो कि महर्षि पाणिन व्याकरण के जनक माने जाने वाले, इनके 14 महासूत्रों को देखेंगे हम लोग, फिर उसी से हम लोग प्रत्याहार को बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन 14 महेश्वर सूत्रों को। जी हाँ दोस्तों, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है ये 14 सूत्र हैं, जो कि शंकर जी के डमरू के बजाने से इन्होंने 14 महासूत्रों का जो है वर्णन किया, और ये 14 महासूत्र आपके हैं। पहला है आयुड़ आ ई उड़ आयुड़, दूसरा है री लिक, तीसरा है ए औंग, चौथा है आपका ए औच, पांचवा है हयो रट, छठवां है लड़, सातवां है यमंगणनम, आठवां है झबई, नवा है घट दस, दसवां है जब गढ़ दस, ग्यारहवां है खप चठत चटतौ, बारहवां है आपका कपय, तेरहवां है सस सर, और चौदहवां है आपका हल। मित्रों, ये 14 महासूत्र महर्षि पाणिनि जी ने शंकर जी के 14 बार डमरू के आवाज से इन्होंने 14 महासूत्रों का वर्णन किया, और इसी से स्वर व्यंजन और भी अनेक प्रकार के वर्ण जो है बनाए जाते हैं, और इन्हीं से 42 प्रत्याहार बनाए गए। मित्रों, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हर सूत्र में अंत में आप हलंत देख रहे होंगे, इसे इति संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। ये इति संज्ञक, ये जब हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें इति संज्ञक वर्ण को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि इस प्रत्याहार में इन वर्णों का जो है लोप हो जाता है। आप देखेंगे जितने भी 14 महासूत्र हैं, इन सूत्रों में आप अंत वाले में आप हलंत देख रहे होंगे, ये जो हलंत है ये इति संज्ञक वर्ण, इसको जानते हैं हम लोग, और ये प्रत्याहार बनाते समय जो है इसका लोप हो जाता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि प्रत्याहार जो है कैसे बनाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः दोस्तों 42 प्रत्याहार हैं, संस्कृत में जो प्रत्याहार हैं वो 42 हैं टोटल, और इन्हीं में से यूपी टेट सी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न कर लिए जाते हैं 3 से 4 नंबर तक। तो आज हम लोग इन्हीं प्रत्याहार को बनाना सीखेंगे। तो इसमें आपका पहला है जो है अड़ प्रत्याहार, इसमें आपका पहला है
आड़ है, अड़ प्रत्याहार। अब आप देखेंगे यहां पे अड़, यह है आपका आ औड़ा। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों इसको देखना है कि हम पहला अक्षर इसमें लेते हैं लेकिन अंत वाला अक्षर नहीं लेंगे, क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है और इत संज्ञक वर्ण जो होता है प्रत्याहार बनाते समय इसका लोप हो जाता है। तो हम देखेंगे इसमें अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत दोस्तों आ ई और उ, और हमने आपको पहले ही बताया कि जो अड़ा यानी कि जिसमें हलंत लगा है उसका जो है लोप हो जाता है, इसे इति संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आ ई उ, ये तीन वर्ण आपके आते हैं। अगला है दोस्तों अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार इसके अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका है आ से लेकर के का तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये का वर्ण इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, बाकी और सभी रहेंगे। इसमें अड़ा और का ये दोनों नहीं रहेंगे, बाकी सब इसमें रहेंगे। अब कौन कौन आइए देखते हैं। आ ई उ, फिर ये इत संज्ञक वर्ण है इसको हम छोड़ देंगे। फिर है री और लिरी, री और लिरी। इस तरह से अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री और लिरी आते हैं। अगला है आपका अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार अब आप देखेंगे अच प्रत्याहार में आ से लेकर के हमको चा तक लेना है, लेकिन ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें जो इत संज्ञक वर्ण है जिसे आड़ा का अंगा और चा, इन इत संज्ञक वर्णों को हमको नहीं लेना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। आ ई उ री लिरी, लिरी के बाद फिर ए ओ, ए ओ, फिर उसके बाद है आए आओ, आए और आओ। इस तरह से अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ये नौ वर्ण आते हैं, आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ, और इसे हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। स्वर वह होते हैं दोस्तों जो किसी के भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ऐसे को हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं, और संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो नौ है। अगला है दोस्तों अट प्रत्याहार। अगला है अट प्रत्याहार। इसके अंतर्गत दोस्तों 13 वर्ण आते हैं, और ये 13 वर्ण कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि इत संज्ञक वर्ण को हम लोग नहीं लेंगे। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि आ से लेकर के टा तक इसमें यही पूछ रहा है, तो इसमें टा चा अंगा का और अड़ा, इन वर्णों को हम लोग नहीं लेंगे।
बाकी सभी वर्णों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो आइए देखते हैं, आ ई उ री लिरी ए ओ आए आओ फिर इसके बाद हा या व र हा या व और रा। तो इस तरह से अट प्रत्याहार के अंतर्गत ये जो है 13 वर्ण आते हैं। अगला इसी क्रम में है ऐसे ही जो है अड़ प्रत्याहार। ये था दोस्तों अट प्रत्याहार, अब है अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार, तो अड़ प्रत्याहार में आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ इसमें देख रहे होंगे कि एक है अड़, इसमें ऊपर वाले में आप लोगों ने देखा कि आ ई यू है, फिर है अड़ प्रत्याहार। तो ये वाला यहां से लेकर के है आ से लेकर के और आपका ये वाला अड़ा है और यहां तक ये पूछ रहा है कि जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो वही प्रक्रिया हमको करना है, इसमें ये सारे अक्षर ले लेने हैं जो है। आइए देख लेते हैं इसको भी, आ ई ऊ री लिरी ए ओ आए आओ हा या वा, फिर है रा और फिर अंतिम है ला, यानी कि लड़ है, यानी कि आ से लेकर अड़ा तक यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है ला तक आएगा क्योंकि ये सब जो है इति संज्ञक वर्ण है। इस तरह से अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 14 वर्ण आते हैं। अगला है दोस्तों अम प्रत्याहार। अम आ और मा, अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, फिर वही प्रक्रिया दोस्तों। इसमें जब तक आप 14 महेश्वर सूत्रों को नहीं याद करेंगे तब तक आप इस 42 प्रत्याहार को नहीं बना पाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है महर्षि पाणिनि के द्वारा जो 14 महेश्वर सूत्र निकाले गए हैं, उन महेश्वर सूत्रों को आपको रखना होगा, आपको याद करना होगा, तभी आप प्रत्याहार को निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ 14 महेश्वर सूत्र को याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ से हमें 42 प्रश्न याद हो गए। इसी तरह से जो है ये प्रत्याहार निकाले जाते हैं। तो आइए अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम इनको भी देख लेते हैं, यानी कि आ से लेकर के मा तक। ये आपका हलंत दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जो हलंत यानी इति संज्ञक वर्ण है जिसे मा अड़ा टा चा अंगा का और अड़ा, इन इति संज्ञक वर्णों को हमको नहीं लेना है। तो आइए इसी क्रम में देख लेते हैं इसको भी। अब देखिए दोस्तों इसमें हम बताते चले कि ये सब रहेंगे, इसमें भी जो है ये सब शब्द जितने हैं यानी कि ला तक रहेंगे। ला के बाद अब इसमें या आ गया, या शब्द आएगा, फिर है मा ये आएगा, फिर है अंगा ये, फिर उसके बाद है आड़ा और ना। कहने का मतलब है कि ये सब रहेंगे आ ई ऊ री लरी ए ओ ए ओ
र ल। इसके बाद इया म अंगा अड़ा और ना, फिर ये मा है ही तो इत संज्ञा किसमें लगा है, हम इसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से जो है इसमें अम प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आपके कुल 19 वर्ण आते हैं। ऐसे ही अगला है आपका अस प्रत्याहार। आ बड़ा सा। अब इसमें जो वर्ण आते हैं दोस्तों कुल मिला के 29 वर्ण हैं। अब इसको बनाने के लिए अब हमको चलना पड़ेगा, यहाँ से देखेंगे आ से लेकर के, अब ये आपका है जो है तालब्य सा जो है आपका बड़ा सा के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये भी इति संज्ञक वर्ण है। अब यहाँ तक हमको लेना है वर्णों को, तो यही जो है जो हलंत वाले जो इति संज्ञक वर्ण हैं इनको हमको नहीं लेना है, बाकी सभी वर्णों को हमको इसमें शामिल करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें आ ई उ री लि ए औ ये सब जो है आएंगे, और इया मा अंगा अड़ा ना ये भी आएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है झा भा, फिर है घा, फिर है धा, फिर उसके बाद है जो है जा, यानी कि संज्ञक वर्ण को नहीं लेंगे जा, फिर है बा, फिर उसके बाद है गा, फिर है डा, फिर है दा, यानी कि आ ई उ री लि ए औ ए औ हा य व र ल, ठीक। ये जो है फिर इया मा अंगा अड़ा न, फिर झा भा घ ड द ज भ ग ड द, यहाँ तक हम लोग जो है इस अस प्रत्याहार के अंतर्गत देंगे। तो इस तरह से मिला करके कुल 29 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों आठवां नंबर। आठवें नंबर में है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार इसमें दोस्तों कुल 42 वर्ण हैं अल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं, और ये 42 वर्ण जो है आप देखेंगे आ से लेकर के ला तक। अब इसमें ध्यान देने की योग्य यही बातें हैं दोस्तों, हमने पहले भी आपको जो है बताया भी है कि जो इत संज्ञक वर्ण हैं जैसे ला हुआ, रा हुआ, या हुआ, वा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा, इया मा आड़ा टा चा, यानी कि अंत में जो हलंत जिसमें लगे हैं इति संज्ञक वर्ण, ये जो है प्रत्याहार बनाते समय इसका जो है लोप हो जाता है, तो इन वर्णों को हम नहीं लेंगे। बाकी जितने भी वर्ण हैं जैसे आ ई उ री लि ए ओ ऐ औ हा य वर ल इया मा अंगा अड़ा न झा भा घ ढ ध ज भ ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स सा, यानी तीनों सा रहेंगे, तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, फिर उसके बाद हा। मित्रों इसमें कुल मिला करके इस तरह से इसमें 42 वर्ण आते हैं। हम यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो है समय का बचत हो इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, इसीलिए इसी तरह से हम बता दे रहे हैं कि ऐसे इसमें ये 42 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। मात्र ध्यान देने योग्य यही बातें हैं, इसमें जो इति संज्ञक वर्ण लगे हैं इन्हीं को हमको नहीं लेना है इसमें, बस। अगला है नौवा नंबर। इसमें है दोस्तों इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो
तो आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ई के प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए ई से लेकर के का तक, तो ई का प्रत्याहार यही हुआ, यानी कि ई ऊ री लरी। आइए यहां पे हम लिख देते हैं ई ऊ री और लरी। ई के प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ड आते हैं ई ऊ री लरी, ये चार वर्ड, यानी यहां देख रहे होंगे ई से लेकर के का तक। शुरुआती को हम लेते हैं लेकिन अंतिम जो वर्ड होता है यानी इत संज्ञक वर्ड उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो अब देखिए इक से यानी कि यहाँ से ले ई से लेकर के का तक ई ऊ, अब ये देखिए आड़ा ये आपका इत संज्ञक वर्ड है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर है री और लरी, फिर का आपका ये इत संज्ञक वर्ड है। इस तरह से ये चार वर्ड जो है इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों दसवां नंबर इच प्रत्याहार। ये था जो है इक प्रत्याहार, अब अगला है जो है इच प्रत्याहार, यानी कि इच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे। तो अब इच प्रत्याहार को देखने के लिए हमें महेश्वर सूत्र पर फिर जाना होगा, यानी कि ई से लेकर के चा तक। अब यही इसके अंतर्गत जितने वर्ड आएंगे यही जो है इच प्रत्याहार बनेगा। तो इसमें कुल आठ वर्ड आते हैं दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं। जैसे है आपका ई ऊ री, फिर है लिरी, अब लिरी तक हो गया, फिर इसके बाद है ए ओ, ए फिर है ओ, और शब्द है जिसमें वर्ड है आए और आओ, आए और आओ, फिर चा है ये तो चा को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इति संज्ञक वर्ड है। तो इसमें देखिए कि इच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आठ वर्ड हैं, कौन कौन, ई ऊ री लरी ए ओ आए और औ। दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, मात्र आपको प्रत्याहार बनाने के लिए इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों को याद करना होगा। अगर आपको ये 14 महेश्वर सूत्र याद हो गए तो आपके जो 42 प्रत्याहार, समझ लीजिए कि आपको 42 प्रश्न याद हो गए। तो इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों के द्वारा ये जो है प्रत्याहार बनाए जाते हैं। आइए हम लोग, और भी प्रत्याहार हैं इसमें, हम लोग कुल 42 प्रत्याहार को देखेंगे। चलिए ग्राह्य नंबर पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला है जैसे इण प्रत्याहार। तो जो इण प्रत्याहार है ये छोटी ई से लेकर के अड़ा तक, यानी कि छोटी ई से लेकर के अड़ा तक जितने भी वर्ड आएंगे इत संज्ञक वर्डों को छोड़ करके, वही सब क्या है इण प्रत्याहार जो है। और इसके अंतर्गत जो है कुल 13 वर्ड आते हैं। तो आइए हम लोग देख भी लेते हैं कौन कौन से हैं इसे प्रत्याहार के अंतर्गत। क्योंकि ई है आपका, ई है, फिर ऊ है, उसके बाद फिर है री लरी, री लरी, फिर उसके बाद आएगा ए ओ, ए ओ, फिर उसके बाद आएगा आए आओ, आए आओ, फिर है अब चा को हम लोग छोड़ेंगे, फिर इधर हा य व र, हा य व र, र के बाद फिर हम लोग जो है चा को छोड़ देंगे, फिर ला को ले लेंगे। तो इस तरह से ये 13 वर्ड जो है ईण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला है उग प्रत्याहार। अब उग प्रत्याहार को हम लोग देखेंगे जहाँ से, यानी ऊ और का, अब यहाँ से देखेंगे तो ऊ ले लेंगे, ऊ
फिर उसके बाद अड़ा यानी कि ईत संख्या कोड है, इसको छोड़ देंगे। फिर है री और लरी, री और लरी। तो इस तरह से ये प्रत्याहार बनते हैं। अगला है एंग, तो एंग को हम लोग देखेंगे ए और अंगा, तो इसमें देखेंगे ए। फिर है ओ, इसमें दो अड़ आते हैं। फिर अंगा को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये इति संज्ञा कोण है। फिर अगला है आपका एच, तो एच में हम लोग देखेंगे ए और चा, तो ए को लेंगे, चा को हलंत इति संज्ञा कोण है, इसको छोड़ देंगे। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ए ओ, ए ओ, ए ओ, आए आओ, आए आओ। फिर इसको चार जो है ये इति संख्या कोण है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर है एच, एच में आपका है देखेंगे आए से लेकर के जो है चा तक, तो आए से लेकर के चा तक इसमें आए और आओ आएंगे, आए और आओ, ये दो वर्ड। अगला है आपका हस, तो हस को हम लोग देखेंगे यानी कि हा से ले करके ये तालब्य सा तक, तो इसमें जितने भी वर्ड जो है आएंगे वो हस के अंतर्गत आते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए हस इसके अंतर्गत कुल 20 वर्ड आएंगे दोस्तों, 20 वर्ड हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसमें जो है हस देखिए हा से ले करके ये सा तक, अब इसमें यही जो है हलंत इति संकेत जो वर्ड है यानी कि तालब्य सा, मूर्धन्य सा या मा, इन सबको हम लोग छोड़ देंगे यानी कि टा और अड़ा, बाकी सब वर्णों को हम लोग इसमें ले लेंगे। तो इस तरह से ये 20 वर्ड इसमें आएगा। अगला है आपका हल, हल आपका जो है यानी कि हा और जो है ला तक, इसमें देखेंगे हा से ले करके ला तक ये जितने भी जो है वर्ड आएंगे, इसको जो है हम लोग 33 जो है इसमें वर्ड आते हैं और इसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 33 वर्ड, 33 वर्ड, और इसमें जो है इसको हम व्यंजन, इसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये 33 वर्ड जो इसमें हल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो हल के अंतर्गत देखिएगा हा से लेकर के ला तक इसमें 33 वर्ड आएंगे आपके हैं, हा या व र ल, फिर है इया मा अंगा अड़ा न, फिर है झा भ, फिर घ ढ ध, फिर उसके बाद ज ब ग ड द, फिर है खा फ छ ठ च ट त, फिर है का प, फिर है सा सा सा, तीनों सा रहेंगे इसमें तालब्य मूर्धन और दंत सा। फिर उसके बाद ये हाँ इसमें नहीं लेंगे क्योंकि हाँ दो बार आ चुका है, इसलिए इसको हाँ को भी हम लोग इधर छोड़ देंगे। तो इस तरह से कुल 33 जो है वर्ड बनते हैं और ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका यण, अब यण को हम लोग देखेंगे यानी कि जो है यानी कि यण के अंतर्गत या और अड़ा, यानी कि यहां से हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएगा या व र और ला, यानी कि या व र और ला, और इसको हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत या व र ल, और इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद है यम, यम को हम लोग देखेंगे यानी कि या से लेकर के मा तक, यानी कि अब इसमें देखिए या व र, या व र, फिर उसके बाद ल, या व र ल, फिर उसके बाद इया मा, इया मा, फिर उसके बाद है अंगा अड़ा न, अंगा
आड़ा, इसके बाद ना, इस तरह से जो है यम के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। फिर उसके बाद है इया, यानी कि या से लेकर के इया तक, या से लेकर के इया तक जो आएंगे, यानी कि ये वर्ड रहेंगे इसमें या वा ला, ये वर्ड रहेंगे साथ में, सिर्फ आपको ये जोड़ देना है झा और भा, झा और भा, यानी कि इस वाले प्रत्याहार में या वा रा ला या मा अंगा अड़ा ना ये अक्षर रहेंगे ही ये वर्ण, उसके बाद झा और भा, फिर उसके बाद ये इया होता है, ये इति संज्ञक वर्ण है, इसको हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद है या, या या, तो या के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक है। फिर देखिए या यानी कि या से लेकर के या तक, इसमें कुल 29 वर्ण है दोस्तों, इसको अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मात्र आपको इति संज्ञक वर्णों को नहीं लेना है, बाकी और वर्णों को ले लेना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें कुल 29 वर्ण है। फिर उसके बाद है यर, यर वन, यर के अंतर्गत जो है कितने वर्ण आते हैं, तो यर अंतर्गत जो है कुल 32 वर्ण है। अभी यहाँ पे देखिए या से लेकर के जो है रा तक, या वाला जो था ये या तक था, लेकिन जो यर है वो या से लेकर के रा तक है। इति संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है, बाकी सब वर्णों को हमको इसमें ले लेना है। तो इस तरह से इसमें कुल 32 वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद है वस, तो वस के अंतर्गत जो है कुल 18 वर्ण है दोस्तों। तो वस के अंतर्गत हम लोग आइए देख लेते हैं, तो वस, वस के अंतर्गत जो है वा से लेकर के तालब्य सा तक, तो इनके अंतर्गत जो है कुल 18 वर्ण आते हैं। कुल जो है 18 वर्ण, यानी कि वस, वा से लेकर के तालब्य सा तक, इसमें मात्र इति संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है दोस्तों। इसमें अगर 14 माहेश्वर सूत्र आप लोगों को याद है तो प्रत्याहार बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए माहेश्वर सूत्रों को याद रखना अति आवश्यक है, और इसके माध्यम से आप 42 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं जो है 24वां नंबर। अगला है दोस्तों वल, वल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके कुल 32 वर्ण आते हैं, और ये है आपके वल प्रत्याहार वा से लेकर के ला तक। बस ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि इति संज्ञक वर्णों को हमको नहीं लेना है, ला रा या वा तालब्य सा मूर्धन्य सा या मा, यानी कि और अड़ा, इन इति संज्ञक वर्णों को नहीं लेना है, बाकी इन इनके अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनको हमको इसमें शामिल करना है। तो इस तरह से वल प्रत्याहार के अंतर्गत 32 वर्ण। फिर है रल, रल के अंतर्गत देखिएगा रा से लेकर के ला तक, तो रा से लेकर के ला तक इसमें जितने भी वर्ण आएंगे, यानी कि इति संज्ञक वर्णों को छोड़ करके, वो इस प्रकार से 31 वर्ण आते हैं। तो इसको अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है मय, मय के अंतर्गत अब आप देखेंगे माँ से लेकर के या तक, यानी कि माँ से लेकर के या वर्ण तक, तो इसके अंतर्गत कुल 24 वर्ण आएंगे, मात्र आपको इति संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है। अगला है गम, तो गम के अंतर्गत देखिए अंगा और माँ, इसके अंतर्गत अंगा अड़ा और ना, अंगा अड़ा और ना, ये आपके 3 वर्ण आते हैं। अगला है आपका झस प्रत्याहार, तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला है इसमें झस, तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे झा से लेकर के ये मूर्धन्य सा, इसमें देखिए झस झस दो करके दिया है, तो एक मूर्धन्य सा है एक तालब्य सा है, तो मूर्धन्य सा वाले में हम लोग देखेंगे झा से लेकर के ये मूर्धन्य सा तक,
तो इसमें देखेंगे झा भा, फिर उसके बाद आएगा आपका घा ढ, फिर उसके बाद ढ। तो इसके अंतर्गत ये जो है आपके पांच वर्ड आते हैं। फिर है अगला झस। अब इसमें देखिएगा तालब विसा है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो झा से लेकर के तालब विसा तक हम लोग देखेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा झा। इसमें कुल 10 वर्ड आएंगे, झा भा घ ढ, फिर है दा, सॉरी इसको जो है धा है ये, फिर जो है धा। इसके बाद फिर है जा बा गा, जा बा, फिर है गा, फिर है डा और दा, डा फिर है दा। तो इस प्रकार से जो है इसमें झस के अंतर्गत कुल 10 वर्ड आए। फिर है अगला झाई, यानी कि झा से लेकर के या। तो इति संज्ञक वर्णों को हमको छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। तो झाई के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएगा झा भा घा ढा ढा जा, फिर है वा, फिर है गा, फिर है दा। फिर उसके बाद इति संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे, फिर खा पा छा, खा यानी कि खा फा छा ठा था चा टा ता वा, फिर उसके बाद का और पा। इसमें जो है ये वर्ड आएंगे इस वाले में। अगला है आपका 31 नंबर, 31 नंबर है झर। अब झर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो झा से लेकर के हम लोग रा तक देखेंगे। इसमें इसमें कुल जो है 23 वर्ड आएंगे, इसमें जो है कुल 23 वर्ड आएंगे जो है झा से लेकर के रा तक, यानी कि झा से लेकर के रा तक। अगला है झल, झा से लेकर के ला तक झा। अब झा वर्णों, झा से देखेंगे झा से लेकर के ला तक इति संज्ञक वर्णों को मात्र जो है इसमें छोड़ देना है, और इसके अंतर्गत कुल जो है 24 वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद है भस। अब भस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, यानी कि भा से लेकर के ये जो आपका मूर्धन्य सा है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो आपका भा, फिर उसके बाद है घा, फिर है ढा, फिर है धा, और ये आपका मूर्धन्य सा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, जिसके अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जस। तो इसमें तालब्य सा है, तो जस को हम लोग देखेंगे, यानी कि जा से लेकर के सा तक, यानी कि तालब्य सा तक। तो इसमें देख लीजिए जा, फिर है वा, फिर है उसके बाद गा डा द, गा डा, फिर है दा। और इस तालब विसा यानी कि इति संज्ञक वर्णों को हमको छोड़ देना है इसमें। तो इस तरह से ये जो है 42 प्रत्याहार जो है इसमें आपको मात्र 14 महेश्वर सूत्र को याद करना है, और इस महेश्वर सूत्रों के द्वारा आप इस तरह से देखिए कि 42 प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब अगला है आपका बस। तो बस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं इसको हम लोगों को देखना है। तो अब आप देख लीजिए कि बस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, यानी कि वा से ले करके सा तक, इसको हमको देखना है। तो बस के अंतर्गत कौन कौन से हैं देखिएगा, बा से लेकर के, यानी ये तालब में सा है तो इसके अंतर्गत जो आएगा यानी बा गा ड द, बा गा ड और द। और ये जो तालब विसा का जो हलंत है यानी इति संज्ञक वर्ण, इसको हमको छोड़ देना है। तो इस तरह से अभी आपने 35 प्रत्याहार को देखा। आइए जो है 6 और बचे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
आइए हम लोग 36वां नंबर देखते हैं, खय प्रत्याहार। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो खय आपका जो है खा से लेकर के या तक है, तो खा से लेकर के या तक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे खा 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 खा, फिर उसके बाद है छा, फिर उसके बाद टा था, फिर है चा, फिर है टा, फिर है ता, फिर उसके बाद है का और पा, का और पा। तो इस तरह से खय के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं, खा फा छा ठा था चा टा ता का और पा। अब खर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो खर के अंतर्गत यानी खा से ले करके रा तक, तो ये वर्ड आपके रहेंगे यानी कि पा तक, खर वाले में पा तक ये वर्ड रहेंगे ही, उसके बाद जो है इसमें तीनों सा आ जाएंगे यानी कि तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा यानी कि ये वर्ड तो रहेंगे ही साथ में तीनों सा भी रहेंगे। फिर है अगला छ, तो छ को हम लोग देखेंगे यानी कि छा से लेकर के वा वर्ड तक, इसके अंतर्गत यानी कि वा को हम लोग छोड़ देंगे, तो छा से हम लोग देखेंगे छठत छा ठा था चा टा फिर ता, यानी कि वा को हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है इसमें छा वर्ण है। फिर है चाय, तो चाय के अंतर्गत कौन कौन, यानी कि चा से लेकर के या तक, तो चा से या तक यानी कि इन दोनों इति संज्ञक वर्णों को हम लोग नहीं लेंगे, तो कौन कौन से आएंगे, चा टा ता व, चा टा ता, फिर उसके बाद का और पा, का और पा। इस तरह से इसमें पांच वर्ण जो है आते हैं चय प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर है चर, चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से, यानी कि चा से लेकर के रा तक, तो चा से रा तक हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएगा चा टा ता, फिर उसके बाद इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे, फिर का और पा रहेंगे, का पा, फिर उसके बाद जो है तीनों सा यानी कि तालब्ध, फिर है मूर्धन्य और दंत, ये तीनों रहेंगे। अगला है आपका सर प्रत्याहार, तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत यानी तालब्य सा से लेकर के यानी कि रा तक हम लोग देखेंगे, तो इसमें मात्र तीनों सा आ जाएंगे, तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, बाकी ये जो रा है ये इद संज्ञक वर्ण है, इसका जो है इसमें लोप हो जाता है। फिर है अगला और अंतिम जो है ये 42वां जो प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे यानी कि सा से लेकर ला तक यानी तीनों सा, यानी कि तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, उसके बाद इसमें आएगा हा, और रा और ला ये दोनों इति संज्ञक वर्ण है, इसमें नहीं आएगा। तो मित्रों अभी आपने देखा कि इस 14 महेश्वर सूत्रों के द्वारा जो है 42 प्रत्याहार किस तरह से बड़ी आसानी से जो है बनाया गया। मित्रों हम आपको बताते चलें कि यदि आपको 14 महेश्वर सूत्र ये पाणिनि के द्वारा जो लिखित है यदि आपको याद है तो मित्रों इससे आपके 42 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई भी प्रत्याहार पूछ ले तो आप इस तरह से आसानी से सुगम और सरल विधि से आप लोग बना सकते हैं। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।